अरे ऐसे तलाशी चल रही है, कोई चोर थोड़ी है, टाइम नहीं है हमारे पास यार, चलो यार क्या हो रहा है ये। रॉक पेपर सीजर शूट, रॉक पेपर सीजर शूट, आज क्या होने वाला है डूड ये बताओ जरा। फैमिली आज दी ओजी चैलेंज इज बैक। फैमिली जो आज होने वाला है ये काफी खतरनाक चीज है, मैं कहता हूँ सब में एकदम नेक्स्ट लेवल चीज होने वाली है। आज हम करने जा रहे हैं फॉल ऑफ डेथ पार्ट, पता नहीं यार पहले पर मुझे एक चीज कहनी है। मैं कहता हूँ हमने जितने भी आज तक पार्ट वाले चैलेंजेस किए ना उन सभी का नाम चेंज करके अनलिमिटेड रख देते हैं। लेट्स गो, आज हम करने जा रहे हैं फॉल ऑफ डेथ अनलिमिटेड पार्ट 1 अनलिमिटेड का। अभी तूने बोला उसका पार्ट के नाम बता दो। अनलिमिटेड के बाद भी तो हमें पार्ट लगाना पड़ेगा ना, बट अगर एक बंदा लॉस चुका है, अगर हमने ऐसे दो एपिसोड बनाए राइट, अनलिमिटेड पार्ट 1 एंड अनलिमिटेड दोनों का सेम होगा तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा पहला वाला कौन सा था, बट उसने सेकंड वाला और चुप हो जा, बट अगर उसने सेकंड वाला पहले दे दिया तू रह तू चुप हो जा। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज इस टाइम हम लोग के जो डेज है वो हमने नहीं सिलेक्ट किए, इस बारी मामू ने किए। यस यस, ये मामू को शौक कब से पड़ा, आओ इनसे बात करते हैं सीधा ही हमारे हेलो संवाददाता, संवाददाता हेलो 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 संवाददाता हेयर। इनको पता नहीं अचानक से क्या हो गया, ये सुबह उठे और बोले आज मैं डेयर्स लिखूंगा, और ये सुबह के 4 बजे डेयर्स लिखने लगे पर्ची पे। सर क्या कहना है, क्या मतलब क्या हुआ क्या आपको अचानक से, आप रात को क्या टेढ़े सोए थे? मैं उनकी लॉयर हूँ, सुनो मेरी बात। वो कहते हैं कि हमेशा आप लोग ही पार्टिसिपेट करो, मुझे भी करना है तो मैं डेज नहीं करने वाला, बट मैं डेज लिख के आप लोग को दूंगा। yes. उन्होंने बेसिकली पार्ट लिया है। yes. Yes. कौन सा पार्ट, पार्ट 1 के पार्ट 2? सो फैमिली हम लोग तैयार है करने के लिए फॉल ऑफ डेज, तो शुरू करते। ये मैंने क्यों दुबा के रखा हुआ है, तभी मेरे को कम सुन रहा है क्योंकि आप अपने चैनल पे आ गए गलती से ऋषि देव पे, जो काफी देर से सुनसान था ना, तो सुनसान काफी देर से सुनसान ही दिख रहा है अभी तक। तो शुरू करते हैं हमारा फॉल ऑफ डेज अनलिमिटेड। फैमिली मैं कुछ नहीं भूली, मुझे आज भी याद है कि कैसे मेरे दोनों भाइयों ने मुझे रुलाया था पिछले व्लॉग में। फ्लैशबैक बदला तो मैं लूंगी, वो भी मामू की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, जो मेरे पास डेज की चिट्स आने वाली है वो होंगी सिंपल, और जो भैया और संजय के पास आएंगी वो होंगी डिफिकल्ट। मजा आने वाला है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फैमिली आप जैसे देख सकते हैं कि इनको ठंड लग गई है टेढ़े सोने से। यार देखो मेरे पास कोट है, आप कोट पहनो, ज्यादा ठंड मुझे लगता है आपको लग रही है। टेंशन मत लो, पॉकेट में डेढ़ डालेगा, शफलिंग कर रहा हूँ। वो शफल कर रहे मामू। फैमिली पहली टर्न है डूडी की, तो डूडी आर यू रेडी? यार रेडी तो मैं बचपन से था। ये जब फेंकनी एक थी तो 1 2 3 क्या कर रहे थे, ऐसे बना देते थे। ओ मेक मेस इन योर रूम, आई इन द मतलब की होया, मतलब अपने रूम गंदा करना है। yes. वो तो मुझे लगता है वैसे ही रखा होगा आपने। लेट्स गो। इन सब चीजों से बोर हो चुका था और भूल चुका था कि सिर्फ 1 महीने तक रखना था। अब मैं बहुत पक चुका हूँ। रूम अकेला मेरा नहीं था, हम दोनों का था। ये रखो आप उसमें। ओ, ये मैं कब से ढूंढ रहा था। ओ ये मिल गई यार। चलो इसी बहाने कपड़ों से रूबरू हो गए, पुरानी एक्स से मुलाकात हो गई, नकली एक्स ही बोला मैंने। अरे यार मैंने सोचा आप लोग अपना कमरा नहीं साफ करते, मैंने सोचा इसी तरीके से कमरा अपना साफ कर लोगे ना। यार यार देखो मुझे क्या, मैं कपड़े साइड करके सोचूं। रॉक पेपर सीजर शूट, कट गया कट गया। 1 2 3 गो। ओ इस पे क्यों फेंकी जा रहे हो? आई एम नॉट स्कर्ड यू नो, लाइक ड्रेस लाइक दिस आर नथिंग मैन। इसका मतलब क्या हुआ?
क्या लिखा क्या है? नहीं इसका मतलब क्या? लिखा क्या है? हैंग आउट? हैंग आउट? ये क्या? ये हैंग आउट मतलब हैंग आउट करना है, बाहर घूमना है। ओके नहीं बाहर नहीं घूमना, हैंग आउट का मतलब है उल्टा लटकना। ये देखा है? ये हेलो ये कैसे लटकेगा यार? मेरे को लगा दीक्षा भी आएगा। What do you mean? ऐसे कैसे आप कह सकते यार? ये ना इसलिए जल्दी से हैंग आउट हो जाएगी यार। मैं ये नहीं बात करूँ ऐसी बात में दीक्षा ये ले यार। नहीं ये तेरा डेर है, मैं नहीं कर रही। वैबली तैयारी हो रही है संजय को ऊपर से लटकाने की, तो आई फील लाइक कि ये लटक पाएगा नहीं, रस्सी टूट जाएगी। क्या कर रहा है तू? यार मैं गिरने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जहाँ तक मेरी प्रैक्टिस से पता लग रहा है कि मेरे को बहुत जोर से लगने वाली है। ये आप अपने घर पे ना ट्राई करें क्योंकि ये हम ही मस्ती कर सकते हैं। इतना ना करो यार, मैं बंदा फंसने वाला हूँ। रस्सी ऊपर जाते हुए ये मेरे को उठा ही नहीं पाएंगे पता है। भारी पड़ते हैं तुम। क्या ये टेल योर पेरेंट्स यू लव देम? टेल योर पेरेंट्स यू लव देम? बट ये डेयर कहाँ से हुआ? ये डेयर से ना हुआ यार, डेयर तो सभी करते हैं। मैंने सोचा इस बार अपने माँ बाप को भी आई लव यू कहना चाहिए, बच्चों को अच्छा लगेगा ना। मतलब साला हम अपना रूम खराब कर रहे हैं, ये लटक रहा है उसको बोल रहा है आई लव माय पेरेंट्स, मैं बोल देता आई लव माय। देखो ये किस्मत किस्मत का खेल होता है। देखो आपको मम्मा से डांट पड़ने वाली है, संजय को पापा से पड़ेगी क्योंकि पापा कहेंगे कि आप इतने रिस्क क्यों ले रहे हो, और मैं बच गई और मैं पापा मम्मा को कहूंगी देखो आई लव यू गाइस सो मच कि मैंने। चल 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 फटाफट कर। मम्मी पापा मैंने आज आपको इधर एकत्रित इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको कहने वाली हूँ कि आई लव यू आई लव यू। इनको ऐसा डेर है कि इनको अपनी नंगी की फोटो डालनी पड़े इंस्टाग्राम पे। व्हाट इज योर ऑब्सेशन? आपके ये एप्स दिख जाए मैं कहता हूँ नंगा होना ये लो। बड़ी जल्दी कैसे देखने आए रेडी ये लो। यार ये ऐसे क्यों नहीं देते नॉर्मल? फॉल ऑफ डेयर फॉल आगे आगे से करना टेक द डेयर टेक द डेयर। यस चला आधी हिम्मत कैच करने में निकल जाती है। देवियों और सजनों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ये कैसी पेटी बांधी है मेरे? देखो बेटी नाच के दिखाओ। अबे वो वाला मिला नहीं तुम ये बच्चों का टॉयले के आगे। क्या गंदे गंदे ढेर लिखे मामे आपके दिमाग को क्या हो गया मामू? बड़ा यूट्यूब ज्यादा देखने लग के लगता है। आप कोरा फते ही लग रहे हो। कोरा फते? ये कोरा फते ही क्यों? ठंड पड़ी ना बाहर कोरा इसलिए कोरा फते। संजय लड़ी और चिट दो यार खत्म। ओ फेंकना मत ऐसे दे दो एक ही चिट्टा स्कूल से उठाओ। मामली संजय के थोड़े से पैर में दर्द आई है। गेट इन ट्रंक गट इन ट्रंक है कि क्या कट वन हेयर मतलब पूरी लट कटनी है? अच्छा हाँ तो ये लो ये वन हेयर ना। कट वन हेयर मतलब प्रॉपर हो गया हेयर कट? अरे वन हेयर वन तेरा थाउजेंड ऑफ हेयर। तो ये क्या है अकेला एक हेयर है उसको कट करना है ऐसे करके? जड़ों से कट वन हो गया यार। जड़ों से हो गया अभी वो कभी नहीं उगेगा। कहाँ गया? बी सेफ फ्रॉम बोटल ये क्या होता है भाई? ओके आर यू रेडी ब्रो? ओके बचना ना बचना जी। 3 2 1 गो। ओह माय गॉड ओ पड़ी।
बैट में दोनों खींच देते हैं। रेडी 3 2 1 जाओ। Guys, अगर आपके पास कोई खाली जगह ना हो जहाँ पर आप कोई शादी वादी करवाना चाहते हैं, वी हैव अ स्पेस फॉर यू। और अगर कहीं ज्यादा बढ़ गई वहाँ पर कैपेसिटी, तो इट्स वेरी इजी। अब बारी है दीक्षा की। पिंक इज माय फेवरेट कलर, प्लीज 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 भगवान जी। तो खोल यार। मैं नहीं कर रहा यार। सेव। मैं कर ही नहीं रहा। फैमिली आज मैं किसकी शक्ल देखी उठी थी यार। I feel like मैंने खुद की देखी थी। You know, so मेरी शक्ल देखी है। मैं इतनी अच्छी हूँ फैमिली, आप भी मेरा वॉलपेपर लगा लो, आपका भी दिन अच्छा जाएगा। I would like to quit this challenge, मेरे को अपील डालना है। You cannot quit. This is not fair. कुछ हुआ है यहाँ पे, फिक्सिंग चल रही है ब्रो। कोई क्विट क्या, जाके चेक कर। चलो पर्चे तो सही दे रहे हो। पर्चे यार एक ही पॉकेट से निकाल रहे हो, क्या ऐसे क्या कर रहे हो? नहीं एक पॉकेट से नहीं हो रहा यार। कितनी पर्ची बनाई तुझे? एक मिनट रुक जाओ, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन लगता करनी पड़ेगी खुद। मामा आपने कितनी पर्ची बनाई? अरे यार पर्चियां बहुत बनाई मैंने यार। इधर आओ इधर आओ। क्या परेशान होता है यार? अरे ऐसे तलाशी दल में कोई चोर थोड़ी। और टाइम नहीं है हमारे पास यार, चलो यार। मैं तो चोर थोड़ी, मैं तो हाथों से पर्ची देता हूं। आपने हाथों से ऐसे कर कर क्या हुआ क्या अभी? क्या हो रहा है? नहीं अब मिक्स कर दी ना, अब वही चलेंगी। अब मामू नहीं, मामू थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, नाउ वी विल थ्रो इट आवरसेल्फ। गिव अस पर्ची। गड़बड़ तो लगी रही ना पर्ची। हाँ तो अभी हम फेंकेंगे, हम देख के फेंकेंगे। नहीं देख के नहीं फेंकेंगे। अच्छा ऐसे फेंकेंगे हम? नहीं एक ऐसे करते हैं, फाइनल राउंड करते हैं, ऐसे फेंकते हैं, तीनों एक एक पर्ची उठाओ। चलो ठीक है, ये फाइनल राउंड लेते हैं। 1 2 3 गो। पहले दीक्षा के बारे में दिखा क्या है। पील ऑरेंज विद माउथ, सी सो इजी। पील ऑरेंज विद माउथ मेरा आया। टच योर नोज विद टंग, इजी। बट उसके लिए नाग भी तो बड़ा होना चाहिए ना। बड़ा यार तू यूट्यूबर है, एक्टिंग करनी होती। अच्छा ऐसे। अच्छा यूट्यूबर बनने को कहा था रीलर री। इसको जोर से थप्पड़ मारे सब्सक्राइब के बटन पे, जरूरी। और फैमिली मैं एक सज्जय को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि सज्जय थैंक यू मेरा प्रैंक पकड़ने के लिए। मैं क्या सिखाया प्रैंक करती भी कुड़ी, इतना साला प्रैंक किया इसने।